इट्स टोटली फील्ड विथ पाइन ट्रीज़. लाइक ऐसा लोकेशन बहुत कम दिन देखने को मिलता है कि पाइन ट्रीज़ है. सन इज़ पेनिट्रेटिंग थ्रू द रोड एंड बात करते ही करते हम पहुंच चुके उस टावर के नीचे जहां पे बर्फी मूवी का शूटिंग हुआ था. ओके सो लेफ्ट फ्रॉम दी चर्च एंड अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं एंड गोइंग टूवर्ड्स दी डाउहिल स्कूल, गर्ल्स स्कूल. So this place is so beautiful. I mean like बहुत सुंदर जगह है. So now we are going to take this road which is a lit, मतलब इतना ज़बरदस्त रोड है ना ये, filled with total pine trees. So now this road will lead towards the chimney. So beautiful. Hey mongoose, mongoose, mongoose. So now we need to go towards upside. नीचे मत जाइएगा, ऊपर चले जाइएगा. So after getting down, you have to go towards the up. So this is Nirvana retreat. It's amazing place. कभी अगर आपका बजट हो, रहने का हो, यहाँ पे आके रहो. इट्स डिफरेंट लेवल, बहुत सही जगह ये. So guys, this is chimney. It's a heritage garden. So वो है chimney. So ये ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है. So this is what chimney is all about. अभी तो ये बंद है cause ये heritage site है. जब लॉकडाउन खुलेगा तब आप लोग को अलाउड होगा यहाँ से अंदर जाके. अंदर पार्क है. Amazing, beautiful place. Chimney heritage. चलिए गाइस आगे मिलते हैं जहाँ पे सिनेरियो और ज़्यादा अच्छा होगा. स्वरूप तो फुल फील ले रहा है. बस खाली ये जो छोटे छोटे पत्ते हैं ये थोड़े से रिस्की हैं बिकॉज इनके ऊपर से अगर आपका बाइक का चक्का गया तो यू माइट क्रैश. लेफ्ट 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 लेफ्ट। सो इफ़ यू गो ऑन द राइट हैंड साइड तो यहाँ पे एयरफोर्स का सेफ्टी है करशंग में, एयरफोर्स स्पेस है वहाँ पे, इंग्लैंड बेस कैम्प बोल के बोलते हैं इसको। और ऊपर अगर जाओगे तो आप एक फॉरेस्ट एरिया में पहुँच जाओगे एंड आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू witness a very beautiful location which will lead through the pine trees. Welcome to that location. Swarup, ये जो location है ना, this is what I was talking to you regarding the location. It's filled with totally pine trees and it's very beautiful. So if you are up for any kind of photography, you can stop and you can take the photograph if needed. See, it's हाँ आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स टोटली फील्ड विथ पाइन ट्रीज। लाइक ऐसा लोकेशन बहुत कम दिन देखने को मिलता है कि पाइन ट्रीज ही पाइन ट्रीज है। सन इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द रोड एंड द लोकेशन, जस्ट लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल मैन। ओके सो रिच्ड द मेन रोड। अभी यहाँ से हमें लेना पड़ेगा टूवर्ड्स दिस साइड टू गो टूवर्ड्स दार्जिलिंग। अगर आप उस तरफ जाओगे तो आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएगा कुर्सियोंग। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, एंजॉय द रोड एंड एंजॉय द म्यूजिक। Okay, so the roads are so empty and I'm really enjoying the road, man. ऐसा खाली रास्ता बहुत ही कम मिलता है और शायद ही इन फ्यूचर फिर कभी इतना खाली मिलेगा, बिकॉज हमेशा लॉकडाउन तो रहना नहीं वाला जिंदगी में, राइट? तो इट्स अमेजिंग। So the entire way we rode like maniac, man. मज़ा आ गया लेकिन, अरे छोटे छोटे कुत्ते। So we have reached this Ghoom railway station. This is the Ghoom railway station. It's the highest altitude railway station. यहाँ पे altitude लिखा हुआ है. ओए ट्रक वाले. कभी भी रेलवे ट्रैक में ऐसे सुलह मत देना, इधर से स्किट कर जाओगे. आयरन होता है, रबर ग्रिप नहीं पकड़ पाता है. मेरे लिए तो रास्ता पूरा छपा हुआ है माइंड में, इसलिए मैं और स्वरूप ऐसे चला रहे बिकॉज वी आर राइडिंग सिंस लॉन्ग. एंड आप लोग जो भी नए आओगे प्लीज़ ऐसे मत चलाना है. आई डोंट प्रोमोट ऑल दिस थिंग्स बट यस आई राइड, आई जस्ट यू नो आई जस्ट एंजॉय दैट रोड, दैट्स इट, इट्स ऑल फॉर फन. सो दिस इज़ बाताशिया लूप. ये अभी तो बंद है. सो यहीं पे होता है वो बाताशिया लूप और ट्रेन जो पूरा सर्कल लेता है वो यही लोकेशन है. कंट्रोल देख रहा लड़के का. Okay, so reached Darjeeling. This is the Darjeeling railway station. और लॉकडाउन के तहत में यहाँ पे सारे जो भी लोकोमोटिव इंजन है, डीजल इंजन्स है, ये सब यहाँ पे है. ये सारे बोगीज़ वहाँ पे खड़े हैं. ये सारे जो हैं ये सारे कोल के इंजन हैं जो कोल में चलते हैं. ये सारे डब्बे हैं जो फिर पटरियों में कब दौड़ेंगे उसका कोई पता नहीं. आप सोच रहे हो कि दार्जिलिंग में एक जगह भी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा. वेल दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी यू नो हिल्स एंड सिटी. यहाँ पे लोग उतने अननेसेसरी घर से नहीं निकलते हैं, यू नो लाइक. और यहाँ के पुलिस भी काफ़ी यू नो लिबरल टाइप के हैं, मतलब उतना धर पकड़ नहीं है कि ये पैसे दो ये करो वो करो. और भाई हर जगह अलग अलग जगह में जो होता है वो तो आपको पता ही होगा. सो लीजिए बात करते ही करते हम पहुंच चुके उस टावर के नीचे जहां पे बर्फ़ी मूवी का शूटिंग हुआ था. तो यहीं पे जो है रणबीर कपूर जो है उसको पकड़ के घुमाता है घड़ी को, और जो एक्ट्रेस होती है वो ग्लेनरिडीज़ में बैठी रहती है. सो दिस इज़ द ग्लेनरिडीज़. सो ये जो छत है यहाँ पे, सॉरी ये केवेंटर्स है, केवेंटर्स के छत से वो उसको पीछे की तरफ देखती है कि वो घड़ी में लटक रहा होता है. सो दिस इज़ व्हाट द शॉट वाज टेकन इन दार्जिलिंग. सो या गाइस वी हैव रीच्ड दार्जिलिंग. सो एक बार लोकेशन में पहुँच जाऊँ फिर मैं आपको मिलता हूँ फेस टू फेस. ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रीच्ड दार्जिलिंग एंड दिस इज़ व्हाट स्वरूप इज. दिस वॉज द पर्सन हु वॉज राइडिंग बियॉन्ड मी, बिहाइंड मी. बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. Like the way I rode, I know how I rode and how is what. मतलब कैसा लग रहा था पीछे से देखने में? लग रहा था कि एक ट्रैक है, MotoGP चल रहा है, देसी MotoGP चल रहा है. So literally like I rode like maniac. I'm feeling that and स्वरूप amazing ride किया. स्वरूप के साथ मैंने ride नहीं किया था, ये मेरा first ride है. But I knew स्वरूप ride very well. तभी like और ऑब्वियसली ही इज़ इन द प्रोजेक्ट. जिस मूवी में हम लोग काम कर रहे थे, मैं और स्वरूप साथ में काम कर रहे हैं. आई वॉज द DOP ऑफ एरियल सिनेमाटोग्राफी एंड आई एक्टेड. एंड स्वरूप तो कुछ दिन बाद एक्टर बन जाएगा बिकॉज लास्ट में जो एक्टर है उसको मारने का सुपारी वाला जो नो विलेन का पार्ट इसने किया था. उसके बाल लंबे हैं एंड ऑल. सो वो मूवी जब आउट होगा तो आप लोग देख सकोगे नेटफ्लिक्स में एंड थिएटर्स वेरी सुन. आज टीजर रिलीज है, अगर हो सके तो मैं टीजर का कुछ एक स्नैप लास्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना. सो विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉलो माई राइडिंग स्टाइल, इट माइट बी डेंजरस टू यू बट येस आई राइड इट ओनली फॉर द एन्जॉयमेंट. विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर, राइड सेफ. यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड आस्क देम नॉट टू राइड लाइक अस. Okay, please take care of yourselves guys, please, huh? And yes, You can follow my Instagram handle, that is Biker Niladri. You can follow my Facebook page, that is Biker Niladri. Bye bye. Take care. Ride safe. See you in the next vlog very soon. Bye bye.